वर्त्यागी, इस बीच बुरहानपुर से आ रही एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर बागियों पर कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक जहाज है और आगे कहा कि चार पांच चूहों के चले जाने से कुछ होता नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ये तमाम बातें कही हैं और बुरहानपुर दौरे पर वो रहे, जहां पर उन्होंने हर्षवर्धन चौहान की बगावत पर एक तरह से ये बड़ा बयान दिया है। बता दें कि विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी दरअसल एक बड़ा जहाज है, चार पांच चूहे निकल जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग भारतीय जनता पार्टी का नारा जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बाहर हुआ मतलब लोगों के दिल से बाहर हो गया। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बगावत के सुर दिखा दिए, पार्टी निष्कासन जैसी कार्रवाई क्यों करे? कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी एक जहाज है, यदि उसमें से कोई दो चार पांच चूहे बाहर निकल जाते। नंद कुमार सिंह चौहान का एक बड़ा नाम था, उनके बेटे ने बगावत की, पार्टी ने कभी सोचा था? लेकिन नंद कुमार सिंह चौहान जी ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, नंद कुमार चौहान जी को पार्टी ने दिया भी बहुत कुछ। अब देखिए, छह बार विधायक बनाया, सांसद बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, वो डिजर्व करते थे, पार्टी ने उनको दिया, जो डिजर्व करता उसी को देगा ना पार्टी। तो कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे सीधे नंद कुमार सिंह चौहान, जो कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान को लेकर के सीधे तौर पर यह निशाना साधा। रविंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, देखिए इस बयान को कैसे देखे, न सिर्फ बागियों पर यह बयान है बल्कि सीधे सीधे हर्षवर्धन चौहान को लेकर के उन्होंने ये बात कही कि चार पांच चूहे निकल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये सीधा सीधा प्रहार किया है उन्होंने पार्टी से बगावत करने वाले लोगों पर। उनका साफ कहना था कि ऐसे लोगों के पार्टी से निकल जाने से, ऐसे लोगों के बगावत करने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि पार्टी ने आदरणीय नंदू भैया, जो स्वर्गीय नंदू भैया है, किया था और नंदू भैया भी उस योग्य थे, इसलिए उनको बार बार टिकट दिया गया, बार बार लड़ाया गया, उनको बार बार जिम्मेदारी दी गई। कैलाश जी ने जो कहा कि आखिर में बगावत करने की जरूरत क्या थी हर्षवर्धन चौहान को, पार्टी ने उनके पिताजी को क्या नहीं दिया? जी ठीक है, लेकिन इसका असर ग्राउंड पर क्या पड़ेगा? माना जा रहा है कि हर्षवर्धन चौहान, जो कि अपने पिता के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, सिंपैथी भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसका असर पड़ेगा कि बीजेपी के कुछ वोट कटे या फिर जैसा कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता वो स्थिति होगी, आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर पे देखने में मिलेगा। बिल्कुल जो है हर्षवर्धन चौहान जो है नंदू भैया से रिलेटेड है, जो बहुत सारे मतदाता हैं और बहुत लोग उनको चाहने वाले हैं, बहुत लोग उनको चाहते हैं, उनकी फोटो की पूजा करते हैं, तो इससे हर्षवर्धन चौहान जो खड़े हुए हैं उनका साफ कहना है कि लेकिन रविंद्र देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ये इशारा कर रहे हैं कि जो बीजेपी से दूर हुआ वो दिल से दूसरों के उतर गया, तो कहने का मतलब ये कि इनका ये कहना है कि कैलाश नंद कुमार सिंह चौहान को जो वोट मिलता था वो पार्टी की वजह से मिलता था, क्या ये ग्राउंड पर स्थिति आप देख पा रहे हैं जब जनसभाओं में दिखते हैं लोगों की भीड़ या लोगों का समर्थन? जी देखिए, जनसभा जब हर्षवर्धन जी को टिकट नहीं मिला और जब वापस लौटे बुरहानपुर, तो उनको उनके स्वागत में इतनी अपार जनता आ गई थी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोग उनको चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने रैली की यहाँ पे गांधी चौक में, तो अपार जन सैलाब यहाँ देखा गया उनके समर्थन में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत बड़ा असर पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी के वोट कटेंगे बात लग रहा है उनके भीड़ को देख करके। ऐसा नहीं है कि असर नहीं पड़ेगा, ये कैलाश जी ने जो कहा है कि कोई असर नहीं पड़ता, ये बात ठीक है। ठीक है, नहीं अब उनका भी कहना ठीक है कि उनका फोकस तो अब देखिए सीट जीतने पर है और वो पूरा दावा भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं वो भी असर कहीं ना कहीं डालेगा, ये आपका कम से कम ऑब्जर्वेशन है, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।